अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से भाजी फ्राई। चलिए फ्रेंड्स, किस तरह आज के नाश्ते में हम रोटी और भाजी बनाएंगे, भाजी फ्राई। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन रख लिया है, उसमें मैंने 3 से 4 स्पून तक का तेल डाला है और दो प्याज को कट करके डाल दिया है। प्याज को थोड़ा हम फ्राई होने देते हैं फ्रेंड्स। भाजी को अच्छे से 4 से 5 पानी से धोकर आपको उसे बारीक से कट कर लेना है। और मैं प्याज थोड़ी फ्राई हो चुकी है, इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ और 1 स्पून भर के यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाला है मैंने, डालकर अब मैं यहाँ पर भाजी को कट करके डाल रही हूँ फ्रेंड्स। आप बिना कुछ भी मसाले ऐड किए हुए इस तरह सिंपल तरीके से सिर्फ मिर्ची पाउडर और नमक डालकर, प्याज डालकर इस तरह एक बार भाजी फ्राई बनाकर देखिए, आपको बहुत ही पसंद आएगी। अब हम इसे अल्टी पल्टी करते हुए भाजी को थोड़ा अच्छे से पका लेंगे। बहुत ही आसान है ये बनाना, इस तरह एक बार बनाइएगा फ्रेंड्स। देखिए अब हमारी भाजी फ्राई बनके तैयार हो चुकी है। दूसरी तरफ मैं रोटी भी बना रही हूँ। देखिए हमारी कितनी अच्छी तरह से मज़ेदार और सेहतमंद भाजी बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी भाजी बनके तैयार हो चुकी है। अगर आज की मेरी ये नाश्ते की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।